हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, दैट इज इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिया था, आज हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 इज बेस्ड ऑन द सिंपल लीनियर इक्वेशन, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। तो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना है शॉर्टकट मेथड से। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे क्या दिया है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 52 दिया है। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया है द सम ऑफ द टू नंबर इज 52। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं लेट द टू नंबर्स यहां पे लिख दो आप। लेट द टू नंबर्स बी, हम x एंड y दो वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो क्या दिया है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 52। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इज इक्वल टू 52 दिया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द टू नंबर इज 52 दिया है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया है, देयर डिफरेंस इज 2। तो यहाँ पे मैं x को जो है बिग नंबर अज्यूम करता हूँ, y को स्मॉल नंबर। यहाँ पर दिया है देयर डिफरेंस इज 2, दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये देखो इक्वेशन 2 आपको दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा, एडिशन कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस वाई प्लस वाई ज़ीरो हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, 52 + 2 एडिशन कर रहे हैं हम तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 54। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54/2 करोगे 27 मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 27 मिल गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 52। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 27, देखते कितना आता है 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 5, 4 माइनस 2 25 आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे तो y इक्वल टू 25, देयर फोर क्या लिखो गया आप, देयर फोर टू नंबर्स आर 27 एंड 25, ये आपका आंसर आएगा 27 एंड 25। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन देखो सी हमें करेक्ट मिल रहा है, तो सी ऑप्शन है 27 एंड 25। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि आंसर आप कैसे निकालोगे। जो कंडीशन दिया है ना, वो कंडीशन के ऊपर ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा ऑप्शन देख करके। पहला कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द टू नंबर इज 52, ऑप्शन ए लेकर के देखो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैंने ऑप्शन ए लिया, क्या दिया है नंबर 17 एंड 15 दिया है। यहाँ पर दिया है सम ऑफ द टू नंबर इज 52, देखते हैं आता है कि यहाँ पे 52, 17 प्लस 15 ऐड करोगे 32 आएगा। सम ऑफ द टू नंबर 52 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी लेकर के हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी दिया है आपको 12 एंड देखो यहाँ पर 10 दिया हुआ है। सम ऑफ द टू नंबर इज 52 दिया है कंडीशन क्वेश्चन में, तो देखो ये 12 प्लस 10 कितना आएगा 22 आएगा, 52 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी चेक कर लो, ऑप्शन सी आपको दिया है 27 एंड 25। सम ऑफ द टू नंबर इज 52 आना चाहिए, 27 प्लस 25 ऐड करोगे तो 52 आ रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो सेकंड कंडीशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर डिफरेंस इज 2। सो देखते हैं देयर डिफरेंस 2 आता है क्या, ऑफकोर्स आता है 2। दैट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो दोनों भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इट्स एरिया इज, तो एक डायगोनल दिया है और एक साइड दिया है रेक्टेंगल का, हमें उसका एरिया निकालना है। तो मैं देखो आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल आपको पता है राइट एंगल होता है एट ईच
ईच यहाँ पे राइट एंगल होता है, ये तो आपको पता ही है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ दिस वे, और यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिया है, कंडीशन क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स साइड, सपोज तो ये दो साइड देखो है यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो वन ऑफ इट्स साइड दिया है सपोज ये 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये साइड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज दिस सेकेंड साइड इज एक्स सेंटीमीटर है, उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा, बिकॉज जब तक आपको लेंथ एंड ब्रेथ नहीं मिलेगा रेक्टेंगल का, तब तक हम उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो अगर मैं इसको नेमिंग दे दूंगा, दिस इज ए बी सी डी, सो दिस ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पता है आपको ये। तो यहाँ से देखो आपको आंसर मिल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, 4 स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट करो तो 16 हो जाएगा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता है, बट हम प्लस 3 लेंगे बिकॉज ये लेंथ है तो नेगेटिव नहीं होगा, साइड है ये, तो एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया ये। तो ये वैल्यू देखो आपको 3 मिल गया। अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ईजिली निकाल सकते हो, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 4 या 4 × 3 लिख दो, फॉर्मूला आपको पता है, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ सपोज ये 4 है, ब्रेथ सपोज 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन बी हमें देखो करेक्ट मिल रहा है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है डिवाइड 56 × 2 पार्ट्स, 56 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट 3 times द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48, देन व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ 56। बहुत ही ईजी है, जो कंडीशन दिया है कंडीशन को यूटिलाइज करके हमें आंसर निकालना है। तो 56 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, लेट वन पार्ट, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वन पार्ट ऑफ 56 इज इक्वल टू, हम x ले लेते हैं, लेट वन पार्ट ऑफ 56 बी x, सो देयरफोर सेकेंड पार्ट क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा देखो आपका सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, आप 56 माइनस x लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको बोला कि 20 को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो अगर सपोज आपने एक पार्ट को 15 ले लिया, तो सेकेंड पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको 5 लेना पड़ेगा ना, 20 माइनस 15, सेम थिंग वही है। सो 56 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को x अज्यूम कर लिया, तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा आपका 56 माइनस x आएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर गिवन कंडीशन, तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 times द फर्स्ट पार्ट, हाँ देखो यहाँ पे 3 times, फर्स्ट पार्ट क्या है 50, फर्स्ट पार्ट x है, 3 times the first part exceeds, मतलब ज़्यादा है 1/3 of the second by 48, 3 times first part exceeds, क्या बोला है 1/3 of the second, तो 1/3 of the second means 1/3 of second part means 56 minus x, 1/3 of the second part एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बाय 48, ये कंडीशन आपको दिया है, ठीक है। 3 times first part एक्सीड्स 1/3 of the second part बाय 48, ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, कंडीशन समझेगा तो ईजिली आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब इसे सॉल्व करना, इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो आप इसे ईजिली, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये आपका है 56 माइनस x डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, एंड दिस इज प्लस 48, ट्राई करते सॉल्व करने का इसे हम लोग,
ये देखो हो जाएगा, मैं 3x इज इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सिंप्लीफाई करते देखो हम लोग यहाँ पर, तो ये 3x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 56 माइनस एक्स इंटू 1, तो आप इसे 56 माइनस एक्स लिखोगे, फिर देखो प्लस है 3 इंटू 48 कर दो तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 3 4 जा 12 और 2 तो 144 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 3 आपका रहेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 लेकर के, तो 3x इंटू 3 तो आप क्या लिखोगे इसे 9x लिखोगे इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 56 माइनस एक्स प्लस 144 मिल रहा है, देखते क्या आता है अभी ये 9x है माइनस एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करो प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 56 144 को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट 200 मिलेगा, 9x प्लस एक्स किया तो ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 200 अपॉन 10 करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट आपको 20 मिल गया, हम लिखेंगे देयर फोर फर्स्ट पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट ऑफ 56 इज 20, अब हम सेकेंड पार्ट इजली निकाल सकते हैं, तो आप लिखोगे सेकेंड पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट क्या लिया था देखो हमने यहाँ पे 56 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 20, तो आंसर कितना आएगा आपको 56 माइनस 20 कर दो तो आपको 36 मिलेगा, देयरफॉर टू पार्ट्स ऑफ 56 इज 20, 36, ये आपका आंसर आएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा 20, 36, दैट मीन्स ऑप्शन ए 20, 36 इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान था हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10 दिया है, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, बहुत ही आसान है आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शन लेकर के सॉल्व करोगे तो विद इन सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ देखो ऑप्शन ए मैं लेकर के चेक करता हूँ, ऑप्शन ए देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10, तो अगर मैं ऑप्शन ए लूँगा तो देखो ऑप्शन ए क्या है 37 है, तो 3 और 7 इसमें डिजिट है, मैं इसे ऐड करूँगा तो 3 प्लस 7 देखो 10 आ जाएगा, ठीक है पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से हमें 18 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 37 माइनस 18 करो कितना आता है देखते हैं हम लोग, 37 माइनस 18 करोगे तो 17 माइनस 8 देखो 9 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 तो यहाँ पे वो 19 आ जाएगा, तो 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, यानी कि ये दोनों डिजिट सेम होना चाहिए, बट ऑप्शन ए में ये दोनों डिजिट सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी लेकर के देखो मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन बी क्या दिया है आपको 73 दिया है, देखो 73 पहला वाला कंडीशन यूज़ करते हैं हम लोग, सम ऑफ द डिजिट 10 आना चाहिए, तो देखो 7 प्लस 3 10 पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंड कंडीशन है कि ये जो नंबर 73 है उसमें से आपको 18 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 18 सब्ट्रैक्ट करो देखो क्या आता है, तो 13 माइनस 8 करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बचा 6 माइनस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो जो रिजल्टिंग नंबर है ना डिजिट देखो सेम हो जा रहा है 5 5 आ जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, अगर मैं सी ऑप्शन लूँगा देखो इनकरेक्ट आएगा, ऑप्शन सी क्या दिया है आपको 75, पहला कंडीशन सम ऑफ द डिजिट कितना आना चाहिए आपको 10 आना चाहिए, तो ये देखो 7 प्लस 5 12, पहला ही कंडीशन रॉन्ग है, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4 देन व्हाट इज द नंबर, तो हम लोग यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स ले लेते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट द नंबर बी एक्स अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट द नंबर बी एक्स, अब कंडीशन क्या दिया देखो यहाँ पे द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या आएगा एक्स का फोर्थ पार्ट मतलब एक्स अपॉन 4 आ जाएगा ना, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट, एक्स का सिक्स पार्ट कैसे लिखोगे एक्स अपॉन 6 एक्सीड्स बाय कितना दिया है 4, कंडीशन ध्यान से समझ के लो द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, तो हम लोगों ने क्या लिया लेट एक्स बी द गिवन नंबर, उसका फोर्थ पार्ट मतलब एक्स अपॉन 4, दिस एक्सीड्स मतलब ये ज़्यादा है सिक्स्थ पार्ट ऑफ दैट नंबर बाय 4, कितना ज़्यादा है सिक्स्थ पार्ट ऑफ द नंबर और उसमें प्लस 4 ऐड करेंगे, तो फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स मतलब अधिक है सिक्स्थ पार्ट ऑफ दैट नंबर बाय 4,
तो x अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 6 प्लस 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको इक्वेशन फॉर्म करने को आना चाहिए। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर दिया तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ये x अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, देखो इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 24। सिंप्लीफाई फर्दर सो दिस इज 6x इज इक्वल टू 4 से ब्रैकेट ओपन करो तो 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 इंटू 24 कर दो 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9 96 आएगा। सो दिस इज 6x, 4x को यहाँ पर लेके आओ माइनस 4 इज इक्वल टू 96। 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 96 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 96 अपॉन 2 करोगे देखो कितना आता है 2 4 जा 8 2 8 जा 16 तो x का वैल्यू 48 आएगा। दैट मीन्स दैट नंबर इज 48। तो आपका जो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट है 48। अब अगर आपको ऑप्शन लेकर के सॉल्व करना है तो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन पहले ट्राई करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया आपको ऑप्शन, 84 दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, तो 84 का फोर्थ पार्ट मतलब 84/4 एक्सीड्स, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, 84 का सिक्स्थ पार्ट ले लो बाय 4 एक्सीड बोला है। देखते हैं राइट आता है क्या इक्वेशन, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 4 वन ज़ा और ये देखो आपका कितना हो जाएगा 6 वन ज़ा हो जाएगा और ये 6 4 ज़ा हो जाएगा प्लस 4। सो देखो 21 इज इक्वल टू 14 प्लस 4 तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है दिस वन, तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट आएगा। सेम ऐसे ही आप ऑप्शन बी लेकर के चेक कर सकते हो, वो भी इनकरेक्ट आएगा। बट अगर मैं ऑप्शन सी लेकर के चेक करूँगा देखते हैं क्या आता है। क्या बोला है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, तो 48 का देखो फोर्थ पार्ट दिस इज इक्वल टू सिक्स्थ पार्ट ऑफ दैट नंबर, तो 48/6 एक्सीड कितना कर रहा है 4 कर रहा है। देखते सेटिस्फाइड करता है क्या, 48 अपॉन 4 करो ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 48 अपॉन 6 8 हो जाएगा प्लस 4 तो देखो 12 इक्वल टू 12 सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन। तो ऑप्शन सी लेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपको ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करने को आना चाहिए, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो ईजिली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो इक्वेशन का। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माई डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।